और मैं समझता हूँ कि आप लोग लगातार देख रहे हैं जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारी शुरू करी है, लगातार मीटिंग हो रही है। तो मेरी खुशी है कि मीटिंग बहुत शानदार रही। हम लोग मैदान में उतर चुके हैं और घर घर में बैठे जा चुका है। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि दिल्ली के नेता आगे चुनाव लड़ेंगे, तो जनता पूछेगी उनसे क्या चुनाव के बाद में जो फैसले होंगे, चाहे शिक्षा के हो, चाहे चिकित्सा के हो, चाहे सड़कों के हो, चाहे पानी के हो, बिजली के हो, चाहे और अन्य फैसले हो, क्या दिल्ली से बैठ के आप करोगे? कौन करेगा? अगर आपके पास में ये स्थिति नहीं है कि आप बता सको कि हमारा नेता कौन है राजस्थान के अंदर, और क्या प्रधानमंत्री चेहरे पे रख लड़ा जाएगा, मैं समझता हूँ ये चुनाव के पहले ही उनकी हार मानने की वाली स्थिति बन गई है। जनता इस बात का एहसास कर रही है और देखेंगे आपकी जो गुड गवर्नेंस हुई है, अनेकों मामलों में राजस्थान देश को दिशा दिखा रहा है, प्रदेश को दिशा दिखा रहा है। हमारी योजनाओं को अन्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, अपने कैंपेन में डाल रही है, तो आप समझ सकते हो कि चाहे ओपीएस हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो या अन्य योजनाएं हो, मैं समझता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी हो, सब मामले के अंदर राजस्थान की सरकार ने जो काम किए, आज भी चर्चा राजस्थान के बाहर हर राज्य में हो रही है, ये हमारी बहुत बड़ी विजय है। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है राजस्थान में क्या क्या स्कीम बनी है, तो ये अपने आप बहुत बड़ी विजय है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व में चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं, उसमें अवश्य ही कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होगी। और जनता माई बाप होती, मैं बार बार कहता हूँ, जनता का फैसला शुरूदारी होता है। जनता ने इस बार मन बना लिया है, फीडबैक जो आ रहा है कि इस बार सरकार रिपीट करेगी जनता, ये मेरा विश्वास है। कह रहे हैं कि राजकुमारी जिलों में जाएंगे तो क्या जनता की जो आवाज आएगी उसको टिकट मिलेगी? जनता की, जनता तो आवाज लगाती है कमेटी के माध्यम से, जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है, उन तक भावना पहुंच जाती है जनता की। कार्यकर्ता की भावना जो है, कार्यकर्ता बताएंगे वहां पर, तो सबसे बड़ी बात है इस बार जो है, राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि जहाँ संभव हो वहाँ पर स्थानीय निकाय के हैं, पंचायत राज के हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद मेंबर्स हैं, पंचायत समिति मेंबर हैं, या पार्षद हैं, या मेयर या सभापति हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं, जिनकी पॉपुलरिटी होगी वहां पर उनको अवसर मिलेंगे, जिसकी जितने की संभावना होगी उसको प्रायोरिटी देगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये सोच राहुल जी की पहले से ही है और इस चुनाव आगे बढ़ेगी, मैं कह सकता हूँ। मापदंड क्या रहेंगे सर? दो बार हारे हुए, बुजुर्ग ज्यादा हो गए, क्या उनको भी मौका मिलेगा, यूथ को ज्यादा मौका मिलेगा, क्या मापदंड क्या? विनिबिलिटी पहला मापदंड है, बस पहला और आखिरी मापदंड विनिबिलिटी रहेगा। चुनाव जीतने वाला बंदा होगा, कर्नाटक में भी 90 साल के नौजवान थे, वो जीत के चुनाव। सर्वे तो देखो अगर हुए हैं तो गुप्त रखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी अभी नहीं बताएं किसी को। देखिए अभी तो मीटिंग शुरू हुई है, अभी अध्यक्ष जी बता दिया, पूरा प्रोग्राम बता दिया, अब हमारे स्क्रीनिंग कमेटी वाले लोग आएंगे तब आपको बता पाएंगे कब तक पहली लिस्ट आएगी। कोर्ट में भी आपको घेरने का प्रयास चल रहा है, जिस तरीके से कोर्ट में भी घेरने का प्रयास चल रहा है, आपको तो टारगेट अशोक गहलोत है। अच्छा वो डिफेमेशन केस, देखिए वो तो मैंने पहले वेलकम किया उसको, तो अगर डिफेमेशन केस मेरे ऊपर लगा है, मुझे जेल भेजने की तैयारी हो रही है मान लो, तो मैं समझूंगा 1.5 लाख लोग हैं वो गरीब आदमी जिनका पैसा डूब गया है, और गरीब शेखावत जी के परिवार के लोग
इस पर मुलजिम है, बार बार कह रहा हूँ, आज मैं कायम कर रहा हूँ, कायम हूँ उस बात पे। और क्योंकि सब जुडिशियल से ज्यादा करना उचित नहीं है, पर इतना कह सकता हूँ कि जो मैंने कहा एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर, मैंने कहा एसओजी रिपोर्ट आई थी उसके पहले मैंने कभी नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया मैंने। जब डेलीगेट मुझसे मिलने आए उनकी आंखों में आंसू थे, हम लोग भावुक हो गए, किस प्रकार से 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए डूब गए लोगों के, 5-10 लाख तो मामूली बात है, और गरीब लोग थे वो, अधिकांश राजपूत लोग थे। और जब मैंने मालूम किया एज होम मिनिस्टर, तब मालूम पड़ा कि वास्तव में ये मुलजिम है लोग, तब मैंने पहली बार कहा मीडिया के सामने कि उनको चाहिए कि वो इमदाद करे आगे आके। मैंने क्या कहा, उनको चाहिए कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम आ रहा है तो वो इंटरवीन करे और सुनिश्चित करे पैसा वापस कैसे मिले। तो वो करने की सुनिश्चित करने की बजाय वो कह रहे आपने क्या कैसे दिया मुझे मुलजिम, तो मुलजिम है इसलिए मैं क्या दिया। ये काम एसओजी का, मेरा काम नहीं है। अगर मैं करता ये काम करता तो अरेस्ट वो कभी हो जाते। अगर मैं इंटरवीन करता कि किसको अरेस्ट करे एसओजी, किसको नहीं करे, 5 साल के इतिहास के अंदर हमारे रिकॉर्ड टाइम में या पहले भी ना तो हाईकोर्ट के अंदर ना कोई संस्थाएं होती है, मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। पुलिस को मैं नहीं कहता हूँ इसको अरेस्ट कर लो, इसके यहाँ पे एसीबी डाल दो, इसको हाईकोर्ट से जमानत क्यों दे। हाँ अध्यक्ष जी कह रहे हैं अगर वो मुजरिम नहीं है तो जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत क्यों ली उन्होंने, कि लोग खुद मान गए अपने आप को मैं मुजरिम हूँ, कहीं मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर ले, आशंका के आधार पर जमानत ली उन्होंने, और क्यों ली उन्होंने। हमने जब उनको हमारी एसओजी ने अरेस्ट किया ही नहीं था तब तक, ना नोटिस जारी किए थे, बयान लेने बुलाया तक नहीं था, तब क्यों जाके उन्होंने वो लिया जमानत का, क्यों सीबीआई की मांग कर रहे वो लोग, क्यों कर रहे हैं। इतने केस में जब तो रिकॉर्ड में कोई नहीं आता नाम, तब तो कोई नहीं कह सकता भी ये मुलजिम है। रिकॉर्ड में आ चुका नाम, हाईकोर्ट में लिख के दे चुका एसओजी वाले ये मुलजिम है। एक गलती हमारे एक वकील ने कर दी थी, उसी शाम को करेक्ट कर दिया, इसलिए उसी बात में खत्म हो जाती बात। सर आपने जातिगत जनगणना की आपने घोषणा की थी, उसमें कोई काम स्टार्ट? देखिए वो एक आपको मालूम है कि असेंबली में एक्ट बन चुका है राजस्थान का, अब जो भी मैंने कहा है सोच समझ के मैंने कहा है। जो अति पिछड़ी जाति हैं बिहार के अंदर यूपी के अंदर, उसी पर उनको लगना चाहिए हमारे साथ भी सरकार खड़ी है। अगर हम कभी संभावना बनेगी ओबीसी कमीशन देगा, उसके बाद में कैबिनेट फैसला करेगी, उसके बाद में जरूरत पड़ेगी तो असेंबली में जाएंगे, वो लंबा प्रोसेस है। अगर मैं चाहूँ तो आज नहीं दे सकता, क्योंकि राजस्थान में एक्ट बना के आधार पर आरक्षण दिए गए सबको ही। तो अब तो जब कभी होगा तो मैं समझता हूँ असेंबली के माध्यम से होना है। जनगणना की बात मैं कह रहा हूँ, वो राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप जनगणना जातिवाद करवाओ। अगला सेंसस जो है आपका 2011 का हुआ हुआ है, उसके बाद में अब समय इंतजार कर रहा हूँ उनका, देरी पता नहीं क्यों कारण से हो रही है, जल्दी सेंसस शुरू हो और जाति जनगणना का कॉलम उसके अंदर रखा जाए, ये मांगते हैं। नंबर दो जो है, यूपी गवर्नमेंट ने एक सर्वे करा था, सोशल इकोनॉमिक सर्वे करा था, उसके आंकड़ों को आउट करना चाहिए जिससे कि लोग संतोष हो जाए कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आप नहीं करवा रहे सकते, आपने बांसवाड़ा में घोषणा की थी कि राजस्थान सरकार करवाएगी राहुल गांधी। जातिगत जनगणना में कह रहा हूँ कि हम करना चाहेंगे, परंतु प्रोसेस तो प्रोसेस होता है। अब सुप्रीम कोर्ट तक गिर गया बिहार का, देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। ये अध्यक्ष जी बताएंगे क्या करेंगे। सर बांसुर में लिंचिंग हुई है सर, उस पर बीजेपी काफी आरोप लगा रही है, बांसुर में कल एक युवक को परसों ने रात को मार दिया गया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बहुत दुखद घटनाएं होती है, दुखद घटनाएं होती है, चाहे वो कोई घटना उत्पीड़न की हो, बलात्कार की हो, अन्याय अत्याचार की हो। आपको ये मानना पड़ेगा, पूरे प्रदेशवासी मानते इस बात को, आंकड़े गवाह है, हमने कंपल्सरी की है FIR राजस्थान के अंदर, इसलिए किससे बाहर आ रहे हैं। अब कल्पना कीजिए जहाँ FIR कंपल्सरी है ही नहीं, इसका मतलब वहाँ पे FIR दर्ज नहीं होती है,
तो जनता वहां की जानती है कि जाएंगे थाने में तो रिपोर्ट दर्ज होगी नहीं, तो कहीं रेप हो जाए और कोई घटना हो जाए, वो जाने की हिम्मत ही नहीं करता है। थाने के अंदर बदनाम मैं होऊंगा, समाज के अंदर भी, गांव के अंदर भी होना जाना कुछ नहीं है। वो स्थिति हमने खत्म कर दी है। अब आओ आराम से एफ आई आर लॉन्च करवाओ, चाहे अखबार में खबर आएगी तो आएगी, उसके जवाब हम देंगे, पर कम से कम न्याय मिले लोगों को, ये हमारी सोच है। देखिए उनके उनका आप बताऊँ आपको, ये जो है ये लफा नहीं करने वाले लोग हैं, लफा नहीं करने वाले लोग ना, तो इनकी बूथ कमेटी है ना, इनकी वो क्या क्या नाम है, पन्ना प्रमुख, सब कागज में पन्ना प्रमुख है, पन्ना के अंदर पन्ना प्रमुख है, कोई नहीं इनके पन्ना प्रमुख है ही नहीं इनके पास में, ना इनकी हैसियत ही है। आर एस है जो इनके पास में है, जिनका फायदा इनको मिल जाता है, बाकी बीजेपी में खुद में कोई दम नहीं है, ना पन्ना प्रमुख है इनके, ना इनकी बूथ कमेटी है। हुआ ऐसा खड़ा करेंगे मीडिया के माध्यम से, वो तो आगे निकल गए, वो लोग आगे कांग्रेस निकली हुई मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।